देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अजय भट्ट केंद्रीय मंत्री बने हैं, मोदी कैबिनेट में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है उन्हें। अजय भट्ट को 2 साल के इंतजार का फल मिला है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। बीजेपी की कुमाऊं में 29 सीटों पर नजर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय भट्ट को 2 साल के लंबे इंतजार का फल मिला है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में बड़ी भूमिका निभाने वाले अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री है वो। बीजेपी की 29 सीटों पर नजर है कुमाऊं की। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। पंकज गरोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, अजय भट्ट अब केंद्रीय मंत्री होंगे, उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और उत्तराखंड के लिए कितना शुभ पहल है? देखिए संतोष, अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, राज्य मंत्री उनको बनाया गया है, रक्षा राज्य मंत्री उनको दिया गया है। उन्होंने 2019 में हरीश रावत को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से, उनको चुनाव में सीधी टक्कर दी थी और उनको बड़े अंतर, लगभग 3 करोड़ के अंतर से उनको हराया था। तो एक माना जा रहा था कुमाऊं के वो बड़े उभरते हुए नेता है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है उत्तराखंड के लिए कि राज्य मंत्री उत्तराखंड को मिला है। लेकिन संतोष, अगर हम देखें तो इस मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को प्रमोशन नहीं, डिमोशन मिला है, क्योंकि पिछले इस मंत्रिमंडल से पहले यहाँ पे केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनको हटाकर यहाँ पर राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। जबकि उत्तराखंड को उम्मीद थी कि इस समय पर दो, जैसे चुनावी समय चल रहा है तो दो केंद्रीय मंत्री मिलेंगे, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री मिले और वो भी कुमाऊं से। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है, अगर मैं संतोष जिस तरीके से आप कह भी रहे थे 29 सीटें कुमाऊं की हैं, लेकिन गढ़वाल की 41 सीटें हैं। अब इस बार कहीं ना कहीं जो चूक हुई है बीजेपी से, वो समीकरण को लेकर चूक है। अब आगे देखते हैं बीजेपी क्या करती है, क्योंकि इस समय पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी कुमाऊं से हैं। गढ़वाल से जो सीटें हैं, अगर 41 सीटें, उसमें 41 में से 29 सीटें पहाड़ी हैं और बाकी सीटें मैदानी हैं, और जो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मैदानी क्षेत्र से हैं। तो कहीं ना कहीं जो गढ़वाल का क्षेत्र है उसकी, उसको लेकर एक नाराजगी भी यहाँ पे बन रही है। कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो भी बिगड़ता नजर आ रहा है, जो क्षेत्रीय समीकरण होता है या जातिगत समीकरण होता है। तो अब ये देखना होगा कि भाजपा इसको किस तरीके से मैनेज करती है। क्या जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए या रमेश पोखरियाल निशंक हो गए या तीरथ, क्या इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है? क्योंकि निशंक की अपनी एक अलग छवि है पूरे प्रदेश में, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले उनका नाम था। इस बार स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपने खुद पीछे कर लिया था, जबकि उनके सबसे पहले चांस थे बनने के। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे सरकार करती है, क्या निर्णय लेती है, क्या जातिगत समीकरण यहाँ पे बिठाती है, ये देखना होगा। जी पंकज, रमेश पोखरियाल निशंक की आपने बात की, आप कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड का प्रमोशन नहीं डिमोशन हुआ है। रमेश पोखरियाल निशंक को उनके पद से हटाया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये बात सही है? हो सकता है कि रमेश पोखरियाल निशंक को उत्तराखंड में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का प्लानिंग कर रहा हो कैबिनेट, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो, या जो मोदी मंत्रालय है वो ये सोच रहा हो कि रमेश पोखरियाल निशंक को 2022 में इस्तेमाल किया जाए बीजेपी के लिए, सरकार बनाने में उनका योगदान बढ़ सकता है? ये सब समय की गर्त में है कि आखिर रमेश पोखरियाल निशंक का किस तरीके से यूज करते हैं भाजपा वाले, क्योंकि अभी ये माना जा सकता है कि अगर हम उत्तराखंड में जिस तरीके से अभी जो समीकरण है, अगर हम इस टाइम पे देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा जो पिछड़ती भी नजर आ रही है, जिस तरीके से लगातार नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, तो उसका मैसेज जनता में गलत गया है। तो अब क्या भाजपा इसको डैमेज कंट्रोल को दूर कर पाएगी, जनता को मना पाएगी? तो एक ही नाम यहाँ पे लगता है कि रमेश पोखरियाल निशंक की पूरी प्रदेश में अच्छी छवि है, गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह अपनी पकड़ है। तो ये देखना होगी अब क्या कांग्रेस, क्या भाजपा उनको आगे करती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब हरीश रावत को आगे कर रही है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहती है, तो भाजपा इसको लेकर कि उन्होंने कुमाऊं से मुख्यमंत्री बनाया और कुमाऊं से राज्य मंत्री बनाया, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे भाजपा इस रणनीति को किस तरीके से तोड़ती है। क्योंकि संतोष, अगर हम बात करें हरीश रावत की, तो हरीश रावत
को जो सीटें मिलती हैं वो कुमाऊं से कम, गढ़वाल से उनको ज्यादा सीटें मिलती हैं, उनका जो वर्चस्व है कुमाऊं से ज्यादा गढ़वाल में है। तो क्या भाजपा इस रणनीति को फेल कर पाएगी, इस रणनीति में आगे कुछ कदम बढ़ा पाएगी, क्योंकि हरीश रावत को हराने वाले सबसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक थी, उन्होंने उनको उनकी जो पत्नी थी हरिद्वार से सांसद लड़ी थी पिछले चुनाव में और वो हारी थी। तो अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये समीकरण यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि 19 का हम चुनाव बोले तो वो पूरी तरीके से मोदी लहर में था, 5 साल मोदी को पूरे देश में देख चुके थे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो अजय भट्ट को उसमें फायदा हुआ था, एक बड़ा फायदा हुआ था। उससे पहले वो जो रानीखेत की सीट थी विधानसभा, जहां भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती थी, 57 सीटें जीती थी, वहां वो चुनाव हार गए थे। तो ये देखना हो कि आगे किस तरीके से भाजपा समीकरण यहां पे बदलती है, क्या अहम जिम्मेदारियां यहां पे निशंक को मिलती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इनको राष्ट्रीय महासचिव यहां पे बनाया जा सकता है और उन्हें चुनाव संचालन समिति में यहां जगह मिल सकती है। तो ये देखना होगा, अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो कुछ महीने यहाँ पे रेस्ट करेंगे। जी पंकज, एक चीज जो आपने बड़ी दिलचस्प कही कि इस बार कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत को चेहरा बनाया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो क्या हरीश रावत के साथ राजनीति की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें सबसे पहले मात देने वालों में रणनीति में शामिल थे रमेश पोखरियाल निशंक, तो हरीश रावत के अपोजिट ये चेहरा लेकर आना ही, क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की रणनीति है ताकि कांग्रेस की रणनीति को काट सके? देखिए संतोष, कहीं ना कहीं अगर हम अजय भट्ट की बात करें तो अजय भट्ट के साथ कहीं ना कहीं भले ही वो लोकसभा जीते हों, लेकिन उस राजनीति और उस रणनीति में अजय भट्ट जो हरीश रावत से बहुत कम है। और अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी बिल्कुल युवा हैं, लेकिन वो रणनीतियां उनके पास नहीं है। एक उनको ये कहा जा सकता है थोपा हुआ मुख्यमंत्री भी एक हिसाब से कहेंगे तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और भी वर्चस्व के नेता थे। लेकिन अगर देखा जाए, अगर भाजपा को कांग्रेस को हराना है और हरीश रावत के खिलाफ कोई रणनीति बनानी है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको निशंक को जगह देनी होगी, निशंक को एक बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी। क्योंकि अगर हम अभी कहें तो अभी जो समीकरण है, चाहे क्षेत्रीय समीकरण, उसमें भाजपा बहुत ज्यादा पास नहीं हुई है, वो उनको जो समीकरण बनाने थे वो नहीं बना पाई है। जिस तरीके से कांग्रेस भले ही अभी नेता प्रतिपक्ष ना बना पाई हो, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम कर रही है, उनका मंथन चल रहा है और जो बातें निकल रही है वो पूरी तरीके से इसी समीकरण में है कि गढ़वाल कुमाऊं को किस तरीके से साधा जाए। जिस तरीके से यहाँ पे प्रीतम सिंह को कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, गणेश गुजियाल को जो गढ़वाल से हैं उनको यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, और चुनाव संचालन समिति की जो पूरी बारडोर जो डोर होगी, जो पूरी कमान होगी, वो हरीश रावत के ऊपर होगी। तो एक तरीके से कांग्रेस पूरे तरीके से यहाँ पे पूरे क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को साथ देगी, लेकिन अभी इस चीज में भाजपा को देखना होगा कि वो अब गढ़वाल को कैसे साथ देगी, क्योंकि अगर हम 41 सीटें बोले तो वो गढ़वाल में है, 29 सीटें कुमाऊं में है, तो वहाँ पे दो बड़े नेता उन्होंने दे दिए हैं, तो क्या यहाँ से किसी तरीके से कोई जिम्मेदारी यहाँ पे भाजपा किसी को देती है, ये देखना होगा। बाकी देखना बहुत कुछ होगा, क्योंकि 29 सीटें कुमाऊं और 41 सीटें गढ़वाल में है। 41 गढ़वाल की सीटों में से पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो उसमें भी 29 सीटें पहाड़ों पर हैं, तो ऐसे में ये देखना होगा कि अब बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होती है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो 1985 से बीजेपी की सदस्यता प्राप्त की थी अजय भट्ट ने, जिन्हें अब कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। 1985 में बीजेपी के भारतीय युवा मोर्चा में शामिल हुए थे। 1996 से 2007 तक रानीखेत विधानसभा से विधायक रहे। 2012 से 2017 तक उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे। 2019 में नैनीताल लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने। ऊधम सिंह नगर से लोकसभा सीट से भी पहली बार सांसद बने। 2019 में कांग्रेस नेता हरीश रावत को भारी मतों से हराया, उसके बाद चर्चाओं में आए और उसका रिजल्ट अब 2 साल बाद उन्हें मिला है। 2019 लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के प्रभारी भी रहे थे। तो अजय भट्ट के राजनीतिक करियर की बात कर रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।